दोस्तों आज हम वाटर पाइपलाइन लीकेज रिपेयरिंग का काम करने वाले हैं। यहाँ पर मोटी वाली पाइपलाइन लीकेज हो गई है, उसका लीकेज वो सही करेंगे, तो इसके बारे में है ये वीडियो। ये हमारी पाइपलाइन DI पाइपलाइन है, डक्टाइल आयरन। तो ये देखिए अभी इल्टी मशीन से रोड को तोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी है वो वेर्थ में बह रहा है, तो इसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। ये काम वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है और बहुत सारे इसके ठेके छूटते हैं, जिससे कि विभिन्न कंपनियों को ये काम दिया जाता है। बाद में ये काम हो हमें जो भी प्राइवेट वर्कर्स होते हैं उनको भी बंट जाता है, और यदि कोई अपना हो परमानेंट करना चाहता है उसको भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से अभी हम वो इस गड्ढे को खोद रहे हैं। इसमें हमारी पाइपलाइन है, DI पाइपलाइन, मोटी वाली पाइपलाइन है, उसका जॉइंट शायद लीकेज हो गया है, तो उसको हम वो रिपेयर करेंगे। ये देखिए 3 फीट हमने गड्ढा खोद लिया है, और यहाँ पर बालू मिट्टी है, ऊपर है वो ये डामर की सड़क थी, तो ज़्यादा पक्का एरिया नहीं है, हमारा मरुस्थलीय इलाका है। तो ये आपनी योजना की पाइपलाइन है, जो वाटर वर्क से जो जलदाय विभाग है उसके वाटर टैंक में जाती है, बड़ा सा वाटर टैंक है। तो ये देखिए यहाँ से ये लीकेज थी, तो पानी बहुत बह रहा था, गड्ढा भी नहीं है वो खोदने दे रहा था। तो पहले हमने वो इसमें थोड़ा सा स्पेस करने के बाद यहाँ पर लेड है वो भर दिया है, जिससे पानी तो लीकेज है वो रुक गया है, अभी थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है, इसको भी हम सही कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी वो व्यर्थ में बह रहा था, ये आपको जो स्पेस दिख रहा है इसमें से पानी बह रहा था, तो इसमें अभी हमने वो शीशा डाल दिया है, ये देखिए, और इसमें अच्छे से हम वो शीशा भरेंगे, लेड भरेंगे, तो रासायनिक भाषा में इसे वो PB बोलते हैं। ये देखिए हमारे पास वायर के रूप में है, ये तार के रूप में है, इसे नकली चांदी भी बोल सकते हैं आप, सुनार लोग है इसको आभूषण बनाने में काम में लेते हैं, और इससे वो बहुत सारे फैशन डिजाइनिंग के प्रोडक्ट बनते हैं। और अभी हम इस पाइपलाइन को साफ़ करेंगे, धूल मिट्टी गिर गई है, और अच्छे से वो इसको फिल करने वाले हैं, भरने वाले हैं, जो भी हमारे पास शीशा है जो तार के रूप में है, तो यदि आप शीशे को गर्म करेंगे तो एकदम से पानी जैसा ये हो जाएगा, फिर आप वो जो चाहे वो आकार दे सकते हैं। और इससे पाइपलाइन जो भी बनती है उसमें भी इसको काम में लिया जाता है, PB को, और ये डक्टाइल आयरन पाइपलाइन है, इसका लीकेज है वो रिपेयरिंग इसी से होता है। यदि जॉइंट लीकेज होता है उसमें रबर गैस किट होती है, रबर रिंग जो होती है वो कट जाती है, तो उसको बाद में इस प्रकार से शीशा भरा जाता है, जिससे वो स्पेस है वो कवर हो जाता है और लीकेज है वो बंद हो जाता है। तो ये देखिए हमारे विनोद जी प्लम्बर है वो अब गड्ढे में आ चुके हैं, और ये देखिए छेन ये थोड़ी सी मारेंगे तो ये अंदर तक घुस जाएगा, जिससे वो लीकेज बंद हो जाएगा। तो अभी हमने वो इसमें थोड़ा सा शीशा वो पहले ही भर दिया था, जिसकी वजह से पानी वो ऑलमोस्ट वो रुक गया है, अब थोड़ा सा बचा है, यदि कहीं से लीकेज है तो उसमें भी अच्छे से भरेंगे। तो इस प्रकार से बहुत आसान होता है शीशा भरना, जो भी हमारी डक्टाइल आयरन पाइपलाइन होती है उसका जॉइंट यदि लीकेज हो जाता है तो ये तार के रूप में है हमारे पास, इसे लेड बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, रासायनिक भाषा में PP बोलते हैं। तो इसको हम भर रहे हैं, इसको भरना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। हम वो शहर की जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर खड़े हैं, ये लाल घंटा घर है राजस्थान के चूरू जिले का, तो मेन मार्केट की ये सड़क है, तो यहाँ पर पानी वो व्यर्थ में बह रहा था, तो इसका लीकेज आज हम वो रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये जो वाटर वर्क्स जलदाय विभाग है उसमें ये पाइपलाइन जाती है, और बड़ा सा वाटर टैंक भरता है, उसके बाद वो शहर की जो भी बड़ी बड़ी ओवरहेड वाटर टैंक है उनमें पानी जाता है। तो ये आपनी योजना की पाइपलाइन है, इसमें मीठा पानी आता है। तो इस प्रकार से जॉइंट में हम वो लेड भर देंगे, कहीं आपको स्पेस नज़र आ रहा है तो उसमें भी आप भर दें, ताकि भविष्य में लीकेज ना हो, पहले ये उसका इलाज कर दें। तो टाटा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप और भी वीडियोस देखें, हम ऐसी ये वो यूज़फुल वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें टाटा जी टेक्निकल।